लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। देखिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, और एक निश्चित टाइम में जो कमाया गया जो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की जानकारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और लाभानि खाते को अमेरिका में लाभानि खाते को लाभानि विवरण इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, और इंडिया में इसे लाभानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसकी मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड to find the outcome of business activities undertaking during the accounting period. It is also known as income statement, income and expenditure statement, revenue account or earning statement. तो देखिए profit and loss account को कई नामों से जाना जाता है। इसे income statement, आय विवरण, अर्जन विवरण, earning statement, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विवरण, आय व्यय विवरण, आधिक्य विवरण, सरप्लस स्टेटमेंट आदि कई नामों से इसे जानते हैं। तो लाभानि खाता किसी संस्थान के द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों के परिणाम को बताता है, ठीक है, कि जो कार्य किए गए हैं उसका रिजल्ट बताता है, और इसमें उस अवधि के अंदर घटित जितनी भी क्रियाएँ होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड उपटन, द समरी ऑफ चेंजेस इन द ओनर्स क्लेम रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपरली अरेंज्ड इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखिए हार्वर्ड उपटन क्या बता रहे हैं कि किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे या संपदा में परिवर्तनों का समुचित विन्यासित सारांश लाभानि कहा जाता है। इट मीन्स कि जो एक निश्चित समय अवधि में जो क्रियाएं की गई हैं, जो स्वामियों के द्वारा संपदा के दावों में परिवर्तन का समुचित विन्यास, जो जो भी क्रियाएँ की गई हैं उनका एक सारांश क्या होता है, लाभानि स्टेटमेंट होता है। अब अकॉर्डिंग टू रॉय फाल्के क्या कह रहे हैं कि द इनकम स्टेटमेंट इज अ शेड्यूल दैट शोन द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन गिव्स द फाइनल फिगर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो देखिए राय फाल्के के अनुसार आय विवरण वह विवरण है जो व्यवसाय को एक निश्चित अवधि के आय तथा व्यय, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लो जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उनको प्रदर्शित करता है, और उसके बाद लेखा अवधि में जो अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस की अंतिम राशि को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक निश्चित अवधि की क्रियाओं या व्यवहारों का एक ऐसा समरी है जिसमें उस अवधि से संबंधित, उस जो पीरियड है उससे संबंधित जितने भी रेवेन्यू हैं, एक्सपेंसेस हैं और नेट इनकम को लेखाकरण अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। और इस खाते के जो नाम पक्ष में सभी पक्षों के व्यवहार, व्ययों के व्यय और हानियों को तथा जमा पक्ष में सभी आगमों और लाभों को प्रदर्शित किया जाता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके, देखिए परचेज एंड सेल, जो भी परचेज सेल की गई है, स्टोर कंज्यूम्ड, पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन इसमें आ जाएगा, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा इसमें, फिर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम फ्रॉम स्टेटमेंट, जो इन्वेस्टमेंट जिन इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुई है, फिर डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस अगर हैं कोई, एबनॉर्मल गेंस अगर कुछ हुए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जितनी भी एक्सपेंसेस हुए वो आ जाएंगी, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस कोई पेड किया गया वो आ जाएगा, अदर नॉन ट्रेड रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हैं, फिर नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फॉर्म की बात करेंगे तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस एंड द नेचर ऑफ देयर बिजनेस। तो लाभानि खाता है उसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, इट मीन्स कोई भी इसका प्रारूप इसमें नहीं बनाया गया है,
और लाभान्वित खाते के लिए जो कंपनी अधिनियम में भी कोई प्रारूप नहीं दिया गया, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश बताए गए हैं। लाभान्वित खाता परंपरागत रूप में के रूप में बनाया जाता था, जो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं। वर्तमान में जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो वर्टिकल फॉर्म में से बनाती हैं। इन हाँ तो यह कह नाउ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रिस्क्राइब वर्टिकल फॉर्म। और अब क्या कर दिया, प्रिस्क्राइब फॉर्म बना दिया गया है, अब उसको वर्टिकल फॉर्म में बनाना होता है। और वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी इन टू वेज। और वर्टिकल फॉर्म है, इट मीन्स जो वर्टिकल फॉर्म दो तरीके से बनाया जाता है, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और मल्टी इनकम स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे, देखिए सिंगल स्टेप स्टेटमेंट क्या होता है। सिंगल स्टेप स्टेटमेंट है उसमें जितने भी कंपनीज की जो इनकम है उनका टोटल में से जितने भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस उनको लेस कर जाता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट रेवेन्यू ज्ञात कर लिए जाते हैं। और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में आय और व्यय के विभागों के जो कार्यात्मक उत्तरदायित्व के अनुसार अनेक स्तरों पर विभाजित करते हैं। इट मीन्स इसमें अलग अलग जो प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत और उपयोगी सूचनाएं दी होती हैं। और इस फॉर्म में पहले शुद्ध बिक्री में से बिके हुए माल की लागत घटाकर सकल लाभ ज्ञात किया जाता है, और उसके पश्चात जो ग्रॉस प्रॉफिट में से जितनी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको घटा दिए जाते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। इसके बाद जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं या इनकम है उनको जोड़ी जाती हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनको घटाकर कर पूर्व शुद्ध लाभ ज्ञात किया, तो टैक्स बिफोर प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। उसके बाद अंत में जो लास्ट में क्या करते हैं, जो प्रोविजन कोई टैक्स का है तो उसमें से उसको लेस कर दिया जाता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट ज्ञात कर लिया जाता है। देखिए फॉर्म देख लेते हैं, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले रेवेन्यू सेल्स रिटर्न इसमें आ जाएगा, फिर अदर इनकम, ये दोनों को ऐड करके टोटल इनकम आ जाएगी। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। फिर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कोई हैं, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, उस तरह से सब जितनी भी एक्सपेंसेस उनको यहाँ टोटल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। फिर प्रपोज डिविजन, उसके बाद इनकम रिटेन इन बिजनेस, जो इनकम आई है वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। देखिए मल्टी स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस सेल्स कोई है, उसके बाद लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, और उसको लेस करने के बाद नेट सेल आ जाएगी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सेल, इसमें ओपनिंग स्टॉक लेस परचेज लेस सेल्स रिटर्न, अब परचेज में से सेल्स रिटर्न को घटा दिया जाएगा। फिर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स यहाँ आ जाएंगे, उसमें लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इनका सबका टोटल यहाँ बता दिया जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को ही है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। उसमें से माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अदर रेवेन्यू, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा, डिविडेंड अगर कुछ है, और जो उस सबके अमाउंट ही आ जाएंगे। उसके बाद लेस अदर एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सेट्रा, तो इस तरह से पूरा प्रॉफिट या जो अपनी इनकम है वो यहाँ कैलकुलेट कर ली जाएंगी। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो अब क्या है, अब जो प्रारूप बनाए जाते हैं वो एक रिवाइज फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, कि पहले तो आप कैसे भी बना सकते थे, पर अब कंपनी ने अपना एक रिवाइज फॉर्म बना दिया है प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए शेड्यूल 6 में, और कौन सा शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, और इसके अकॉर्डिंग अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई है तो वो आ जाएगा, फिर अदर इनकम उनको कर लेंगे, फिर टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकंड, कौन कौन सी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, उससे ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सपेंसेस ले लेंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड, चेंज इन इन्वेंटरी इन फिनिश्ड गुड्स, वर्किंग प्रोसेस एंड स्टॉक एंड ट्रेंड, फिर ट्रेड
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज एक्सपेंसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस, इस तरह से सारे एक्सपेंसेस का यहाँ टोटल आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसको थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स है वो यहाँ आ जाएंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देखिए इसमें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में से एक्सेप्शनल आइटम्स को घटा दिया जाएगा, फिफ्थ माइनस फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगी हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर टैक्स है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जो भी है उनका सबका अमाउंट इधर आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम काउंटिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इस तरह से क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, इसको लिख देंगे। फिर टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, तो अब आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंटिंग ऑपरेशन माइनस टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड, देखिए ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन काउंटिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन माइनस कौन सा आ जाएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर अर्निंग पर इक्विटी शेयर बेसिक और डिफ्यूटेड, तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। और अब जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो इस तरह से बनाया जाता है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इस तरह से आपको पूरा ये बनाना है। नेक्स्ट उसमें क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको